अस्सलाम के व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे चना राइस। चना राइस बनाने के लिए जो हमें अज्जा दरकार हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज, थोड़ा सा मैंने अदरक को इसमें से कट कर लिया है। साथ में इसमें जो मसाले मैं डालूँगी वो है नमक, हसब ज़रूरत ले लीजिए। 1 टेबल स्पून मैंने दालचीनी मिर्च ली है, 1 मैंने लाल की और 1 काली ली है, आधा मैंने हल्दी का लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला लिया है। 1 कप के करीब मैंने इमली का पल्प बना लिया है जो कि हम यूज़ करेंगे अचारी मसाले। 1 टीस्पून मैंने इसमें राई ली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर कलौंजी और मेथी के लिए है, मेथी दाना की। साथ में मैंने पत्ता लिया है एक, और साथ ही मैंने गरम मसाला चूँकि चनों में यूज़ किया है इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा गरम मसाला ऐड नहीं कर रही, सिर्फ 1 मैंने इसके अंदर लिया है इलायची और 1 मैंने दालचीनी का स्टिक ली है। थोड़ी सी अचार लिया है मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। कलर जो है ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं। और ये मैंने दम पर डालने के लिए सामान तैयार किया है जिसमें धनिया है, आलू बुखारा है, हरी मिर्चें हैं और थोड़े से मैंने मेवे यूज़ किए हैं। मेवे भी ऑप्शनल हैं, आप चाहे इसको स्किप कर दें। चावल लिए हैं मैंने 3 से 3.5 प्याले के करीब। ये चने मैंने जो बॉयल किए हैं इनका मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कि मैंने इनको कितना, मैंने इनको 2 प्याले मैंने चने लिए हैं जिसको मैंने 2 घंटे गर्म पानी में सोडा डालकर भिगो दिया। उसके बाद मैंने 1 पतीले में आधा यानी कि 1.5 जग के करीब पानी लिया और उसके अंदर मैंने 2 प्याज, 1 कटी लहसुन की, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डालकर साथ में सीरा डालकर इसको बॉइल कर लिया। चने तैयार हैं, अब हम चलते हैं। पहले घी में मैंने सारे मसाले ऐड करेंगे और इनको हम हिलाएँगे। यहाँ पर इनको हिलाने के बाद थोड़ा सा इनको कुकराने देंगे, जैसे थोड़ा सा हमें लगेगा कि इसको से इसका कलर बदल आ रहा है उसके अंदर हम अपने प्याज ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड, ये मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने फिर हम इसके अंदर अपने चने ऐड करेंगे। अब तो इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। प्याज हमारा काफ़ी हद तक टूट गया है, अब मैं इसके अंदर अपने चने फेंक करके ऐड करूँगी। इस तरह से अब मैं चनों को इस तरह से लेकर मैं डालती जाऊँगी। इस तरह से हम सारे चने डालेंगे। अब हम चने सारे डालने के बाद चूल्हा तेज़ कर देंगे और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लें। अब मैं इसके अंदर नमक मिर्च वाले जो हमारे मसाले हैं स्पाइसेस यानी कि वो ऐड करूँगी। ये सारे मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर अचार और इमली का पल्प ऐड करूँगी। अचार ऐड करूँगी और हम इसको हिला लेंगे फिर से। अच्छे से इसको हिला लीजिए और इसमें इमली का पल्प ऐड कर दें। इस तरह से हम इसमें इमली का पल्प ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हिला लें। थोड़ी सी हम चनों की भुनाई करेंगे। जैसे इसमें घी बाहर आ जाएगा हम इसमें अपना वो जो यखनी हमने बनाई। अब हम अपने चनों में पानी ऐड करेंगे और पानी का तनासब हमने इस तरह से रखना है कि अब 1 प्याली चावलों में मैं 2 प्याली पानी ऐड करूँगी। उस हिसाब से मैं 7 अब मैंने इसके अंदर 7 प्याली पानी ऐड कर दिया है। अब इसको बॉयल आने पर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखें इसमें बॉयल आ गया है। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। हम अपने चावल ऐड करेंगे। हम इसको इतना पकाएंगे कि जो पानी है यानी कि इस पर इस तरह से हमारे चने और चावल जो हैं हो रहे हैं। थोड़ा सा पानी हम और खुश करेंगे और फिर हम इसको दम लगा देंगे। अपने वो जो मैंने आपको दम के इंग्रेडिएंट्स सिखाए थे वो पर डाल देंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा होने देते हैं। चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना क्योंकि हमारे चावल हैं
तकरीबन हमारा पानी ड्राई हो गया है। इसको हम 2 मिनट और ड्राई करेंगे और फिर हम इस पर नए इन्ग्रीडियंट्स डाल देंगे। पर इस तरह से धनिया, नेवे, आलू बहरे इस तरह से डालेंगे और हरी मिर्चें भी डालेंगे। सब कुछ हमने हम अपना दम उठाएंगे। इसको मैंने 20 से 25 मिनट का दम दिया और ऊपर मैंने गरम मसाला और कलर हल्का हल्का डाला था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें चना राइस हमारे तैयार है। मैं इसको मिक्स करूँगी और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये लीजिए हमारे चना राइस तैयार है। होप सो आपको अच्छे लगे हों एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।